बहुत सारे लोग दराज पर ऑर्डर कर देते हैं, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ मंगवानी होती है लेकिन उनको बाद में मिल जाती है, वो कैंसिल करना चाहते हैं। कुछ लोगों से गलती से ऑर्डर हो जाता है और वो उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई भी दराज का ऑर्डर जो आपने मंगवाया हुआ है उसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टॉफर मी यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दराज का कोई भी ऑर्डर कैंसिल करने के लिए जैसे ही आप दराज एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे एंड के ऊपर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर टू शिप के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ऑलरेडी एक या दो या जितने भी आपने ऑर्डर किए हैं उसका आइकन बना हुआ होगा। यहाँ पे अभी एक लिखा हुआ है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। टू पे के ऊपर भी ये ऑर्डर हो सकता है, टू रिसीव के ऊपर भी ऑर्डर हो सकता है, जहाँ पर भी आपको ऑर्डर उस टाइम पहुँचा हुआ तो वो ऑप्शन आ जाएगा। आपने उस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली ऑर्डर की डिटेल खुल के सामने आ जाएगी। यहाँ पर ये नीचे सारी डिटेल लिखी हुई है, कितने पैसे आपने देने हैं, ये ऑर्डर है आपका। तो चैट नाउ पे चैट कर सकते हैं, ऑर्डर की सारी डिटेल जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, ट्रैकिंग नंबर ये आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कैंसिल का बटन आ रहा होता है, इस कैंसिल के बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपने रीज़न सेलेक्ट करनी है कि आप क्यों इस पार्सल को है कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने चेंज पेमेंट मेथड, ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी टू लेट या डुप्लीकेट ऑर्डर या कुछ भी मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। चेंज डिलीवरी एड्रेस कन्फर्म क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शनल है कि कोई कमेंट आप देना चाहें कि कुछ प्रॉब्लम है इस एप्लीकेशन या कुछ भी गलती से आपसे हो गया वो अगर लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है तो आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो रहा है, मैं वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब मैं जैसे ही अपने फुल बैग के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो टू शिप के ऊपर ये ऑप्शन नहीं आ रहा। इट्स मीन कि मेरा ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को दराज से ऑर्डर कैंसिल करने का ये तरीका जो है वो पसंद आया होगा। अगर कोई भी इशू हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। चैनल पर चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।